नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल पे और इस समय आपके साथ मैं हूँ दिव्या अठवाल। आपको बता दें कि हाल ही में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हाल ही में मेहर की यात्रा पर गए हुए हैं। उन्हीं के साथ में उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह भी गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना करी है। वहीं इसी दौरान मीडिया से उनकी खासा चर्चा भी हुई है। वही मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए यानी कि भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। साथ ही उन्होंने कई बातें भी कही है। क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन पर बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार किसान और मजदूरी विरोधी सरकार है। मोदी सरकार हाथ में गंगाजल लेकर झूठी शपथ खा रही है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ में छलावा कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि किसानों का हक निजी कंपनियों को देकर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसान को ठग भी रही है। इधर प्रदेश में कांग्रेस संगठन में बदलाव और कमलनाथ की केंद्र की राजनीति में जाने के सवाल पर मौन रहते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने अपना राजनीतिक संग्राम शुरू कर लिया है। कांग्रेस युवाओं के साथ में चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अपने मकसद को पूरा भी करेगी। जी हां, इस प्रकार से राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से खास चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है और साथ ही भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार भी बताया है। जी हां, तो ये था अभी तक का अपडेट। वैसे ही नए अपडेट पाने के लिए लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। धन्यवाद।